सलाह कोर प्रोटेक्शन टीम और सख्ती से करेगी घेरा मजबूत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इंटेलिजेंस ने सलाह दी है, सत्यापन के बाद भी आगंतुकों से मिलने की सलाह दी। इस रिपोर्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, सीमावास सचिवालय की सुरक्षा कड़ी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, प्रयागराज मामले के बाद इंटेलिजेंस ने यह रिपोर्ट भेजी है। छोटे कार्यक्रमों से बचने का भी आग्रह किया है। ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज, किस प्रकार से अब धामी को इंटेलिजेंस ने उनसे आग्रह किया है और उनकी सुरक्षा को लेकर के यह तमाम बातें सामने आ रही है? देखिए, कई चीजें जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा धामी के जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता का मामला हो या फिर जो लैंड जिहाद और मजार को लेकर मुख्यमंत्री के बयान हो, तो मुख्यमंत्री की को लेकर इंटेलिजेंस को जो इनपुट मिल रहे हैं कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सुरक्षा है उसको कड़े करने के निर्देश, जो सलाह भी दी गई है, निर्देश भी दिए गए हैं, और माना जा रहा है कि क्योंकि उनकी जेड प्लस सिक्योरिटी तो है, लेकिन वो जेड प्लस सिक्योरिटी में भी उतनी सख्त नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो उसको देखते हुए उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसको और सख्त किया जाएगा। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री आवास या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में मिलने वाले हैं होंगे, उनका पहले सत्यापन किया जाएगा कि इनसे मिलना जरूरी है या नहीं है, या फिर इनका क्या उद्देश्य है, तभी जाकर उनको मिलने दिया जाएगा। और इसके अलावा जो छोटे कार्यक्रम है, यानी बिल्कुल उत्तराखंड जैसे राज्य में मुख्यमंत्री सर्वसुलभ है, तो वो कहीं पे भी चले जाते हैं, उनको बुला लिया जाता है। ऐसे में इंटेलिजेंस ने कहा है कि आप ऐसे छोटे कार्यक्रमों में ना जाएं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री इन तमाम चीजों का पालन करेंगे, लेकिन क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि है, एक नेता है, इसलिए वो तमाम जो सुरक्षा कवच है वो भी तोड़ देते हैं कई बार जनता से मिलने के लिए। तो इन तमाम चीजों का इंटेलिजेंस ने ध्यान रखने की और तमाम चीजें निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि गृह विभाग भी इसको लेकर आदेश आजकल में जारी कर देगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया पंकज। गरुड़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत